अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, फिट होंगे, एकदम फाट होंगे। तो आज है माशाल्लाह जुम्मे का दिन। अभी मैं तैयारी करूँगा नमाज़ की, नमाज़ पढ़ने जाऊँगा। दैन उसके बाद आके हम लोग जाएंगे, मैं जोया जोया की बहन जो है सिस्टर उनके वहाँ जाएंगे, दैन वहाँ से हम जाएंगे कहीं और। तो एक चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी कि हम लोग का ट्रिप है, तो उस ट्रिप की हमने अपनी पैकिंग बस ऑलमोस्ट डन हो गई है। लेकिन ये सब देख रहे ना कैसा पूरा घर का कबाड़ बना हुआ है, पूरे घर में मतलब तितर बितर यहाँ वहाँ सब कुछ कपड़े फैले हुए हैं। बस जैसे ही कि हम पूरी पैकिंग डन कर लेंगे वो भी आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे इंशाल्लाह कि हम कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, इसके लिए आपको हमारे मज़ीद आगे के व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे व्लॉग्स तो मैं डालता ही नहीं हूँ, तो आप लोग आगे के व्लॉग्स कैसे देखेंगे? वो एक वजह यह है कि बीच में मैंने अभी मैंने एक हफ्ते का गैप ले लिया, समझ पाँच से छः दिन का मैंने गैप ले लिया व्लॉग्स में। तो बस थोड़ी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं व्लॉग एडिट करना भूल गया और मतलब व्लॉग वगैरह क्लिप्स वगैरह नहीं बनाए। चल झूठा। इंशाल्लाह आपका भाई डेली व्लॉगिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा एक बात यह है कि मैं हाँ हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा तो व्लॉग इंशाल्लाह लाजमी डालूंगा। आज का व्लॉग भी आपको लाजमी पूरा देखना है हमारा, और जो आगे की एक्टिविटीज़ है वो सारे हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। सभी मैं जा रहा हूँ नीचे नाश्ता करूँगा, दैन उसके बाद वापसी ऊपर आके कपड़े वगैरह चेंज करके फिर हम निकलेंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद काफ़ी तैयारी भी है, पैकिंग वगैरह भी थोड़ी रह गई है हमारी, रूम को भी सेट करना है। काफ़ी बुरी हालत हुई हुई है रूम की काफ़ी दिन से, तो बस जाते हैं नीचे नाश्ता करते दैन उसके बाद वापसी आएंगे। और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी कि यार वाह बैद आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं हमारे आसपास के, इन लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि व्लॉग्स नहीं आ रहे। आप उनको भी बताते चलो, इंशाल्लाह हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी आएंगे। बस अभी जाते हैं नाश्ता करते हैं, दैन उसके बाद आएंगे वापसी ऊपर। नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, ये रात की प्लेट मतलब कल की है, कल के प्लेटें भी ऊपर है। और इनको देखो अभी अभी सो के उठी है, कैचअप वगैरह लेके जा रहे हैं हाथ में। बस नीचे जाएंगे दैन नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे हम बाहर। तो हम आए थे नीचे, बाकी सब नाश्ते के लिए बैठ चुके थे, तो हमारा नाश्ता भी बनी नहीं था। अभी सोया बना रही है, क्या पराठा बना रही है हमारे लिए, सिर्फ मैं खाऊँगा मतलब क्यों? चलो ठीक है हम खा लेंगे पराठा चाय के साथ। कबाब भी है, मैंने सुना था रात में मैं खाया था कबाब रात। अब दोपहर में क्या बनेगा? चपली कबाब बनेगा आज दोपहर में, जल्दी से पराठे बन जाए दैन उसके बाद हम नाश्ता करके जाएंगे, नमाज की तैयारी करेंगे। खाओ, इतनी देर लगा दी नाश्ता लगा और मेरा आ गया। कबाब फ्राई नहीं करें क्यों? चलो यही करते हैं फिर उसके बाद, नहीं रहें तो अब ये ले आए तो यही खा लेंगे ठीक है ना, फिर उसके बाद जाएंगे नमाज के लिए। तो नाश्ता करके फ्री हो गए थे, बस मैं अभी ऊपर आया हूँ, दैन उसके बाद हम जाएंगे मतलब अभी तैयारी करनी है नमाज की, लाइट्स ऑफ करके घंटे हो जाए नमाज की तैयारी करनी, कपड़े वपड़े चेंज करने, दैन उसके बाद जाएंगे हम नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद आएंगे, अभी सिमिया पे भी कॉल आई थी, कह रही थी कि आप अभी तक आई नहीं, मैंने कहा बस थोड़ी देर में आएंगे नमाज़ वगैरह पढ़नी फिर उसके बाद आपके घर पर आते जी। तो बस मैं करने चुका हूँ कपड़े चेंज, मैं पहन रहा हूँ टी शर्ट और उसके अलावा पैंट, उसके बाद जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए फिर हम। तो भाई आपके भाई ने चेंज कर लिए, नमाज के लिए निकल रहा हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे आपके भाई के बाल वगैरह भी कैसे मतलब फुल साइड की कटिंग करवाई हुई है, चेक कर ले आप लोग, ये मैंने खुद ही कराई क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ना हेयरफॉल हो रहा था, डैंड्रफ भी हो गए थे सर के अंदर, तो इसलिए मैंने बाल छोटे करवा लिए। तो उसे सब जगह से आपका भाई फुल इंग्लिश बन गया है। बस अभी निकल रहा हूँ मैं नमाज के लिए, काफ़ी देर हो चुकी है नमाज के लिए, बस 5 मिनट रह गए हैं, मस्जिद पीछे गली में ही है, जल्दी से आकर नमाज पढ़ के आते हैं। बस उतर गए नमाज पढ़ने के लिए हम, गेट भी खुला हुआ है, यहाँ का बच्चे ना गेट खोल के चले जाते हैं फिर कोई ना कोई घुस जाता है।
चोरी का खतरा रहता है, इसलिए आपको भी कहता हूँ कि आप सब लोग भी अपने घर के गेट बंद करके रखा करें। कहाँ जा रहा हूँ इतनी देर में? इतनी देर में जा रहा है नमाज पढ़ने? क्यों लोग देख रहे? नहीं देख रहे मेरे सारे? A few moments later. घर आए तो पता चला, हमने देखा कि जुड़िया है किचन में बना रही है क्या चपली कबाब बन रहे हैं। बस दोपहर में दोपहर का खाना ये खा के जाएंगे हम लोग, या फिर बाहर खाना है? घर का खाना हेल्दी होता है। चल झूठा। चपली कबाब वैसे मैंने काफ़ी टाइम से खाई नहीं है, बस अभी जब तक के बनते हैं। और मुझे ये शर्ट चेंज करने के, मुझे शर्ट सही नहीं लग रही, कम्फर्टेबल नहीं हो रहा। जब तक चपली कबाब बनाओ फिर उसके बाद खा के निकलेंगे हम लोग। कहाँ पर सीमिया पे कल फोन आया था जाने के लिए। चपली कबाब बना लिए उन्होंने, तायम में माई नमाज, मज़ा आया। तो बस हम लोग निकल रहे हैं घर से बाहर, हम निकलेंगे सही अपना पहले, फिर उसके बाद वहाँ से जाएंगे। और कितना तैयार हो गई? सही तो लग रही है, मैं भी तैयार हो गया। बस अब निकलेंगे। ग्लासेस मैंने इसलिए लगा हुए हैं क्योंकि मेरी आँखें आ रही हैं आँखों का भी, जो अभी भी चल रहा है सीजन मेरे ख्याल से। काफ़ी लोगों ने देखा कि उनकी आँखों में राइड हो रही है, वो कोई चुभन सी। मेरे साथ भी वही मसला हुआ है, देखो कैसे लैपटॉप पकड़ा है, लैपटॉप भी हर जगह लेके जाना पड़ता है, एडिटिंग वगैरह भी हमें चलनी होती है। बस निकलने थोड़ी देर हुई है घर आए हुए मुझे, मैं और जोया बताया जैसे कि हम दोनों जा रहे हैं सीमिया पी के वहाँ, फिर हम लोग को वहाँ से भी और भी लोगों के घर जाना था, तो वहाँ से फिर भी रोके अब आके घर में बैठे हैं। तो मैं बाहर ही था लेकिन जोया घर पर आ गई थी, जब मैंने आके देखा तो रूम पूरा क्लियर हो चुका है, माशाल्लाह पूरा रूम साफ हो चुका है, तो सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। अभी मैंने से बताया था ट्रिप की पैकिंग बाकी थी। जी आपको जाता है, ट्रिप की पैकिंग बाकी थी तो वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन ही हो गई है। बस समझ लें 100 में से 80% हो गई है, 20% रह गई है, जो ऊपर ऊपर की चीज़ें वो रखेंगे। देन उसके बाद फिर आपको ट्रिप का भी बताएंगे कि हम कहाँ जाएंगे। हेलो गाइस, देखिए ये अपने मोबाइल मसरूफ है टिकटॉक वगैरह वगैरह बनाने में लगी हुई हैं। कुछ ना कुछ चाहिए बस, ये ना कुछ ना कुछ चाहिए। देखो स्टैंड वगैरह सब उन्होंने कैसे रखा हुआ है सब। मैं आया भी घर पर, मैंने आके इनको देखा तो उनकी हरकतें उफ़ क्या बोलूँ। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का सारा दिन मेरा बाहर भी निकला है तो इसलिए मैंने बाहर भी ज़्यादा कोई मतलब क्लिप्स वगैरह नहीं डाले बाहर के, बस घर ही घर का था, लेकिन मेरा जो सारा वक्त था आज बाहर का ही था। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अब हम आपको मिलेंगे कल नए ब्लॉग और नए सुबह के साथ, तब तक ले करते हैं अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और लाइक का बटन भी दें, नीचे देखें लाइक का बटन भी आ रहा है उसको भी दबाएं, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें।